भारत में बेरोजगारी दर अक्टूबर में 3 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। ये दावा किया है अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के शोध पत्र में। शोध पत्र के अनुसार अक्टूबर में बेरोजगारी दर 8.5% रही है, जो अगस्त 2016 के बाद सबसे ज़्यादा है। सितंबर 2016 में जारी किए गए आंकड़ों से भी यह बहुत अधिक है। शोध पत्र के अनुसार बीते 6 सालों में सबसे कम लोगों को रोजगार मिला। 2011-12 से लेकर 2017-18 के बीच 90 लाख लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। वहीं देश के 3 राज्यों में स्थिति बेहद खतरनाक है। त्रिपुरा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में ढूंढने पर भी लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। त्रिपुरा में बेरोजगारी की दर 23.3% पहुँच गई है। कुल मिलाकर CEO महेश व्यास का कहना है कि देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में बेरोजगारी में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसमें शहरी इलाकों में लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है। ऑटो के अलावा कई सेक्टर में हालात बिगड़ने से ऐसी परिस्थिति देखने को मिल रही है। टेक्सटाइल, चाय, FMCG, रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में भीषण मंदी आ चुकी है। CMIEE की ओर से जारी डाटा के मुताबिक 2016 से 2018 के दौरान 1.1 करोड़ लोगों को नौकरी गंवाना पड़ी। फरवरी 2019 में बेरोजगारी का आंकड़ा 7.2% रिकॉर्ड किया गया था, जबकि फरवरी 2018 में यह आंकड़ा 5.9% था। रिपोर्ट की माने तो 2018 में 40.6 करोड़ लोगों के पास नौकरी थी, वहीं फरवरी 2019 में आंकड़ा 40 करोड़ तक पहुंच गया। ऐसे में 2018 और 2019 के बीच करीब 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। कुल मिलाकर जो आज उत्पादन के भी आंकड़े आए हैं छोटे उत्पादनों के, उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।